हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इलस्ट्रेटर के क्लास में। जी हाँ, लेकर आ गया हूँ चौथा क्लास इलस्ट्रेटर का। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से उतर जाए, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से और आपका अच्छा डेवलपमेंट हो इलस्ट्रेटर पे, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इलस्ट्रेटर को बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं इलस्ट्रेटर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब आज का एक आखिरी टॉपिक और उसके बाद आज का क्लास हम लोग फिनिश करेंगे। तो अब हम बात करने वाले, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आपको बताया कि लाइक रेक्टेंगल टूल को कैसे इस्तेमाल कर। अब मैं ना थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्ट्रोक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, थोड़ा स्ट्रोक के बारे में समझते हैं। सो अगर आप यहां से एक रेक्टेंगल लेते हो एंड रेक्टेंगल में मैं यहां से इसका फील बंद कर देता हूं और आउटलाइन की एक कलर डाल देता हूं, कोई भी डेट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रोक पे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करना पड़ता है, तो हम लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं। अभी जैसे यहां पे जब आओगे तो यहां से तो आप स्ट्रोक को बड़ा छोटा कर सकते हो, देख लो जो भी बड़ा करना है कर सकते हो। यहां पे आपको मिलेगा लाइक स्टाइल कि किस तरीके का आप स्ट्रोक रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा और कुछ इस तरीके का आपको स्टाइल मिल जाएगा। इसके अगर आप यहां पे आएंगे तो यहां पे स्ट्रोक के कुछ टाइप्स भी हैं, लाइक आप अगर स्ट्रोक में यहां पे क्या करना चाहते हो तो जैसे ये देखो इस तरीके के आपको मिल जाएंगे यहां पे। यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक स्कैटर, आर्ट ब्रश, जो भी आप लेना चाहते हो उस हिसाब से आप यहां पे और भी चीजें ले सकते हो और उसको एड वगैरह भी कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इस स्ट्रोक वाले पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहां से मैं आता हूं और सबसे पहले तो मैं शो कर देता हूं बेसिक, तो सिंपल सा ये बेसिक में आ गया, तो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और यहां पे एक स्ट्रोक लिखा हुआ है, या तो फिर आप विंडो में जाओ, विंडो में भी आपको यहां पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा ऐसा, ठीक है। एंड ये सेम चीज आपको यहां पे क्लिक करने के बाद भी यही सेम चीज जो यहां पे है सेम चीज आपको यहां पे मिल जाएगा, इनफैक्ट यहां पे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको। जैसे ये देख रहे हो ये यहां पे एरो हेड वगैरह भी है, यहां पे आपको एरो हेड वैसे नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके यहां पे आपको एरो हेड वगैरह भी है, तो जो भी आपको लगे वहां से आपका ये बेसिकली पर्टिकुलरली स्ट्रोक के लिए है। जो विंडो से आप स्ट्रोक लेते हो ना वो पर्टिकुलर स्ट्रोक के लिए है। आप यहां पे जाइए, यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, या लाइन से रिलेटेड भी आप यहां पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा क्या चीज, तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा कि विड्थ, कि विड्थ क्या है, कितना रखना है। अगर आप इसको राउंडेड करना चाहते हो आप राउंडेड कैप भी कर सकते हो, लेकिन राउंडेड कैप अभी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। कॉर्नर भी सेट कर सकते हो, ये देखो अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो आप देख सकते हो कि कॉर्नर अभी हमारा राउंडेड हो गया, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा भी हो जाएगा, और नॉर्मल रखना चाहते हो नॉर्मल भी रख सकते हो। देयर इज अ लाइन स्ट्रोक, ये इसका कुछ खास अभी काम नहीं है। अब हमें यहां पे करना है डैश, लाइक हमें इसको डैश में कन्वर्ट करना है, लाइक हमें ऐसे डॉट डॉट या डैश डैश वाला हमें चाहिए, तो यहां पे आपको मिलेगा डैश लाइन। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां पे इलस्ट्रेटर में ये वाली चीज बहुत अच्छी दी हुई है, आप यहां पे जाएंगे और ये डैश लाइन आपको मिल गया। अब इनका जो लेंथ है या फिर इनके बीच की जो गैप है ये पूरा आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर से थोड़ा कम कर लेता हूं ऐसे, और मुझे थोड़े बड़े डैश चाहिए तो आप यहां पे आइए और यहां पे 12 की जगह 20 कर दीजिए, देखिए 20 हो गया। और अगर आपको इसके बीच की गैप बढ़ानी है तो यहां पे गैप पे भी जाकर आप डाल दीजिए, लाइक आप 10 डाल दीजिए, तो देखो अभी ये 10 डिस्टेंस पे है। अगर आप यहां पे कर देंगे लाइक 30, तो देखो 30 हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। एंड उसके बाद आप चाहते हो कि उसके बाद जो डैश बने, मतलब एक का जो है 20 पॉइंट्स हो और एक का 10 पॉइंट्स हो, आप ये भी कर सकते हैं, देखिए एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। गैप 20 रखते हैं और वापस से मैं यहां पे आता हूं, एक बार इसको कर देता हूं 5 और गैप रखता हूं 10। तो कुछ इस तरीके की चीजें भी आप यहां पे बना सकते हो, सी यानी कि ये पूरा कस्टमाइजेशन आप खुद कर पा रहे हो, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स एक्चुअली, ओके। सो यहां पे आपको जो भी बनाना है, कितना डैश आपको रखना है, किस तरीके का रखना है, वो आपको यहां से मिलेगा।
और डैश की जो थिकनेस है वो आपको स्ट्रोक की थिकनेस होती है, जो स्ट्रोक की वही यहां पे ये है। अगर आपको नहीं रखने हैं तो आप इन सबको जीरो कीजिए, मतलब जीरो मत कीजिए, डिलीट कीजिए, सीधा डिलीट मारिए यहां से, डिलीट, जीरो नहीं रखना है, डिलीट कर दीजिए सबको। तो ये 20 आपका भी स्ट्रोक है, आपको ये भी नहीं चाहिए, आप सीधा डैश को हटा दीजिए, यहां से काम खत्म, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं, अब मैं आता हूं यहां पे एक लाइन लेता हूं, तो लाइन के लिए आपको यहां पे आना है एंड यहां पे आपको मिलेगा लाइन, ठीक है, और यहां से आप एक ऐसे लाइन ले लीजिए, लाइन ले लिया मैंने, लाइन को थोड़ा मोटा कर लेता हूं समझने के लिए, मोटा कर लेता हूं। अभी मान लो कि आपको किसी डिजाइन में आपने देखा होगा कि आपको एरो दिखाना है कि इस साइड, दिस वे, इस तरीके के कुछ एरो आपको दिखाने हैं, तो उसके लिए अगेन स्ट्रोक पे जाइए और यहां से अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो देखिए ये कैप अभी यहां पे समझ में आएगा, वो रेक्टेंगल वाला में समझ में नहीं आ रहा था, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन, सो ये देखो, अगर आप ये देखोगे तो ये देखो इसका जो पॉइंट है एकदम यहां पे है, एंड अगर आप ये करोगे तो इसका पॉइंट इसके सेंटर पे है, तो आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो। अगर आपको एरो दिखाना है या डैश दिखाना है तो आप डैश तो नॉर्मल ऐसे कर ही सकते हो, अगर आपको एरो दिखाना है तो यहां पे आपको सेक्शन में मिलेगा एरो हेड, लाइक आपको इधर का मुंह कैसा करना है ऐसा, ये देखिए, और इधर का कैसा करना है पीछे वाला, तो पीछे वाला मुझे चाहिए ऐसा, ये देखिए। अब इसका स्केल कम कर सकते हो आप, लाइक इसका स्केल हम रख देते हैं लाइक 20, बट 20 स्केल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आपको इसके हिसाब से रखना होगा, इसके हिसाब से रखना होगा, ये जो स्ट्रोक है उसके हिसाब से रखना होगा। अगर आप इसको 20 करते हैं, लाइक 30 रखता हूं मैं, अगर आप इसको 30 करते हैं तो आपको ये जो स्ट्रोक है, ये जो स्ट्रोक है आपको उसी हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो सही दिखेगा। यहां पे भी आते हैं और इसमें भी हम इसको कर देते हैं लाइक 30, सी लुकिंग लाइक दिस। आप इसको किसी भी टाइम इसका जो एरो का पोजीशन है आप चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट है ये, और आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। सो यहां पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, ये भी आप रख सकते हो, ये देखिए। आपने एक चीज और देखा होगा, आपने एक चीज और देखा होगा कि कोई कोई फॉर्म में आपने देखा होगा कि फॉर्म में ऐसे रहता है एंड यहां पे ऐसा कुछ डैश रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ डैश रहता है, इसका गैप मैं कर देता हूं लाइक 5, ऐसा रहता है। और इसके अंदर आप चाहो तो यहां पर एक चीज और है, ये देखो कैची वाला सिस्टम, ये देखो यहां पे आप कैची लगा सकते हैं, मतलब कि आपको यहां पे यहां से काटना है तो ये भी लगा सकते हो, यहां पे एरो भी दिखा सकते हो ऐसे हैंडल इसका, ये देखिए। तो ये भी रेक्टेंगल पे उतना ज्यादा नहीं जमेगा जितना ज्यादा आपको, जितना अच्छा इसके ऊपर दिखेगा। तो यहां पे जाइए, स्ट्रोक पे जाइए, यहां पे जाइए, आप कैची वाला ले लीजिए, देखिए कैची का काटने का सिस्टम दिखा रहा है, एंड यहां पे जाइए, आपको देखो हाथ ऐसे दिखा रहा है कि इधर आपको जाना है, और ये जो आपका है इसको नन कर दीजिए, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आपको इस साइड जाना है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए, काफी अमेजिंग दिखेगा आपको। यहाँ पे आकर आप इसको कुछ इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है वो आप ले सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसको यूनिफॉर्म भी कर सकते हो। तो ये वाला चीज ना यहाँ पे बड़ा मजेदार है, और डैश करना है तो आप डैश तो कर ही सकते हैं, देखिए ऐसा डैश ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसा छोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, जिस तरीके की आपकी डिजाइन का डिमांड है, जो आप डिजाइन बना रहे हो उसका जैसा डिमांड है उस तरीके से आप यहां पे काम कर सकते हो। एंड कॉर्नर वगैरह तो जो है वो रेक्टेंगल में ही आपको आएगा, ये वाइस वर्सा डैश है दोनों, यहां पे लाइक प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश और दिस इज द अलाइन, सो जो भी आपको रखना है आप यहां से रख सकते हैं, यहां पे कर देंगे तो देखो सारे डैश जो है वो राउंडेड कॉर्नर हो गए, तो ये सारी जो अलाइनमेंट्स हैं वो आप यहां पे कर सकते हो। अभी देखो यहां पर एक चीज और आपको मैं बताता हूं, अगर सपोज मान लो आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाना है, ये देखिए इस तरीके का आप कुछ वेक्टर डिजाइन बना रहे, तो आपने देखा होगा कि वेक्टर डिजाइन जब भी आप बनाएंगे तो ये जो जींस पॉकेट यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे एक सिलाई होता है, देखो ये एक सिलाई है, यहां पे स्टिच किया हुआ है ना, तो अगर ये वाली चीज भी अगर आपको बनानी है
अगर आप सपोज मान लो कि आप एक लाइक इलस्ट्रेटर, तो सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइनर का ही काम नहीं है, इसमें फैशन डिजाइनर वाले लोग भी काम करते हैं, ठीक है। तो उनको इस तरीके की चीजें बनानी होती है, वेक्टर में उनको दिखानी होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इस तरीके के सारे, देखो ये स्टिचेज वाला जो डिजाइन है तो ये डैश डैश ही है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सू, सूज को अगर मैं लेता हूं, और सू में भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे इस तरीके के कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, जहां पे तो स्टिचेस जैसा चीज हमें दिखाना है। तो इन सब जगहों में ये देखो, जैसे यहां पे देखो ये वाला, सो ये सेक्शन आपको दिख रहा है। तो ये सेक्शन जो, अगर हम सपोज इलस्ट्रेटर में अगर हम एक वेक्टर सूज बना रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, और इस तरीके की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हुई तो हम आसानी से इसके जरिए, इस डैश के जरिए बना सकते हैं। इवन मैं आपको दिखा दूं कि अगर सपोज मान लो कि इसको अगर आपको थोड़ा सा लाइक कॉर्नर वगैरह जैसा भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूं। सो जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए, सो इसको हम चाहे जैसे चाहे वैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जींस वाला पे भी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। विंडो में जाकर अगर आप स्ट्रोक पे जाते हैं तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रोक मिलता है, देखो सब कुछ सेम है, एंड डैश वगैरह भी यहाँ पे सेम है, बस खाली यहाँ पे वो एरो हेड वाला नहीं दिया है। क्योंकि ये एरो हेड वाला इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये रेक्टेंगल वगैरह के लिए है, रेक्टेंगल सर्कल वगैरह के लिए ये है। अगर आप सर्कल में भी आप करेंगे तो आप यहाँ से डैशेस वगैरह सेट कर सकते हैं, जिस तरीके की भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये था स्ट्रोक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे आपको स्ट्रोक देने हैं। और अगर आपको स्ट्रोक को रिमूव करना है तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप यहाँ से डैश लाइन को हटा दीजिए और यहां से आपको जितना पतला मोटा जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर कोई डिजाइन बना रहे हो, जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे डिजाइन बनाया, और यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे कलर फिल कर लिया, तो आप देखिए इसके ऊपर में भी आप आराम से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप इसके स्ट्रोक्स कैसे बढ़ा सकते हो, डैश वाला स्ट्रोक क्रिएट करना है वो भी कर सकते हो, आप ऐसे पतला वगैरह जो मतलब जिस तरीके से भी आपको क्रिएट करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। सो अभी आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है, मैंने जितनी भी चीजें दिखाई हैं इन सारी चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करके कोई भी प्रॉब्लम हो हमें डायरेक्टली बताना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फाइल हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी दिखाइए, या आपने कुछ बनाया है वो भी मुझे कीजिए। आप इंस्टाग्राम में भी मुझे टैग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे अपने अपलोड करके मुझे टैग कीजिए, तो हम लोग वहां पे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, ताकि आप इलस्ट्रेटर अच्छे से सीख सके। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।